हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कुकिंग विद अमृता में। आज मैं शेयर कर रही हूँ तंदूरी पनीर टिक्का सैंडविच की रेसिपी, और जिसमें हम पनीर टिक्का को कुक नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है और सबको बहुत पसंद आती है। तो चलिए तंदूरी पनीर टिक्का सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, और बाउल में मैंने 2 बड़े चम्मच फाइन च॑ॉप कैप्सिकम लिए हैं और 1 बड़ा चम्मच प्याज फाइन चॉप करके ले लिया है। अब मैंने इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच तंदूरी मायो या तंदूरी सॉस लिया है, जिसकी रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस डाला है। रेड चिली सॉस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। अब मैंने इसमें 100 ग्राम पनीर को छोटे छोटे क्यूब शेप में काट दिया है। अब मैंने इसमें 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटी चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें, और साथ ही मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी को हथेलियों से चूर के डाल दिया है। तो बस अब सभी सामग्री को मिक्स कर देते हैं। तो इन सब को मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें दही मिलाया है। मेरे पास हंकर नहीं था और बच्चों को अभी तुरंत देना था, इसीलिए मैंने नॉर्मल दही का यूज़ किया है। लेकिन यदि आप हंग कर्ड का यूज़ करते हैं तो इससे भी अच्छा बनता है। तो मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच नॉर्मल दही डाली है, आप इसमें 2 बड़े चम्मच हंग कर्ड डाल लें, और सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया। और हमारा सैंडविच का फिलिंग बनके तैयार है। यह तंदूरी पनीर टिक्का है क्योंकि इसमें हमने तंदूरी सॉस का यूज़ किया है, लेकिन इसे हमें कुक नहीं करना है। तो बस अब मैंने सैंडविच मेकर लिया है, इसे आप तवे पे भी बना सकते हैं। सैंडविच मेकर में भी इसे आप 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तो 2 ब्रेड के बीच में फिलिंग डाला और ऊपर नीचे दोनों तरफ बटर लगाया और इसको लाइट गोल्डन कलर के होने तक सेक लिया और सैंडविच तैयार हो गया। दूसरा तरीका है जो मैं बना रही हूँ, इसमें ये खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये क्रिस्पी ज़्यादा बनता है। तो 4 ब्रेड के एक तरफ मैंने बटर लगा दिया और जो बटर साइड है वो मैंने हीट की तरफ रखा है, मतलब नीचे जो ब्रेड है उसमें नीचे की तरफ बटर लगा है और ऊपर जो ब्रेड रखा है उसमें ऊपर की तरफ बटर लगा है। अब इसे 3-4 मिनट हम सेक लेते हैं। ग्रीन बटर ऑन हो गया है तो हमारा ये दोनों तरफ से लाइट गोल्डन कलर हो गया है। सैंडविच मेकर को खोलकर सबसे पहले मैं ऊपर वाले ब्रेड को एक प्लेट में हटा लूँगी और नीचे वाले दोनों ब्रेड को पलट दूंगी। इससे क्या होगा कि जो क्रिस्पी साइड है वो ऊपर हो जाएगा और जो प्लेन साइड था वो नीचे हीट की तरफ हो जाएगा। अब क्रिस्पी साइड पे मैंने जो फिलिंग बना के तैयार किया था तंदूरी पनीर टिक्का का, उसको 2-2 चम्मच डाल देंगे। फिलिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। तो दोनों ब्रेड पर मैंने फिलिंग डाल दी, और अब जो इसके ऊपर ब्रेड रखेंगे, जो हमने हटाया था ब्रेड, उसमें जो सीखा हुआ साइड है उसको फिलिंग की तरफ करके रखेंगे और जो प्लेन वाला बिना सीखा हुआ साइड है ब्रेड का उसको ऊपर की तरफ रखेंगे। और इस तरह से रख के ऊपर वाले ब्रेड पे दोनों में थोड़ा थोड़ा बटर लगा देंगे और सैंडविच मेकर को बंद करके 4 से 5 मिनट तक इसको सिकने देंगे, जब तक कि ग्रीन बटर ऑन नहीं हो जाए। तो ये 4 से 5 मिनट में सिक के तैयार हो जाता है। तो 5 मिनट के बाद मैंने सैंडविच मेकर को खोला, ग्रीन बटन भी ऑन हो गया था। तो देखिए तंदूरी पनीर टिक्का सैंडविच बनके तैयार है। यह बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही यम्मी। तो बस अब सैंडविच को प्लेट में निकालेंगे और पिज़्ज़ा कटर या नाइफ की सहायता से इसको अपनी मनपसंद शेप में काट लेंगे। फिलिंग को तैयार करके आप पहले भी रख सकते हैं और जब मन चाहे अगले 2-3 दिन तक इसको बनाकर खा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।